अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। यूई ने और यूई के नेशनल कैरियर एमिरेट्स ने, जो कि दुबई में ऑपरेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दुबई के लिए है ये अपडेट जो मैं आगे बताने लगा हूँ। एज़ पर द आर्टिकल, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब आपको जो COVID-19 की सर्टिफिकेट है, जो कि पहले थी कि पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, श्रीलंकन्स, बंगालीज और नाइजेरियन और युगांडन्स के लिए वो कैरी करना ज़रूरी है कि उन्होंने वैक्सीन यूई के अंदर लगाई। अब उसका कैरी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है या मस्ट नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है COVID-19 की सर्टिफिकेशन की। ये यूई की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है ओनली दुबई के लिए, अबू धाबी और शारजा के लिए नहीं है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अबू धाबी, इसका एमिरेट्स जो हैं, इनका एक प्रॉब्लम रहा है, आई थिंक सो प्रॉब्लम ही उसको कह सकते हैं, कि शारजा, दुबई और अबू धाबी के रूल्स अपने अपने हिसाब से होते हैं। मतलब ये ओवरऑल एक कंट्री है, लेकिन आपने अबू धाबी ट्रैवल करना है, अभी स्पेशली इसकी बात कर लेते हैं COVID-19 की बात की, तो उसके अपने रूल्स हैं। दुबई ट्रैवल करना है उसके अपने रूल्स हैं, शारजा ट्रैवल करना उसके अपने रूल्स हैं। तो दुबई अगर आपने ट्रैवल करना है और दुबई ने बता दिया कि आपको उस PCR की, जो COVID-19 की सर्टिफिकेशन है, उसकी ज़रूरत नहीं है कैरी करने की, आपको GDRF की अप्रूवल चाहिए, 48 आवर्स पहले का आपका COVID-19 का टेस्ट हुआ होना चाहिए, PCR जिसको बोलते हैं, और फिर rapid PCR भी आपको कराना है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये अब कब नेक्स्ट चेंज करेंगे और कब चेंज हो सकती है इसके बारे में फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं, लेकिन अभी तक यह है। और ये रेजिडेंस वीज़ा जिनके पास है, पुराना रेजिडेंस वीज़ा जिनके पास है, वो उनके लिए ये है। अब क्या नए रेजिडेंस वीज़ा अगर आपके पास है वो ट्रैवल कर सकते हैं, उसकी फ़िलहाल इस आर्टिकल में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन वो लोग जो जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है और जो स्टक हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ये अपडेट है। और अगर हमारी आपको पेड सर्विस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गल्फ से रिलेटेड, या अगर आपको ऑफिस अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें और आपको पेड अपॉइंटमेंट हमारे मिल जाएगी। हम पेड अपॉइंटमेंट क्यों ले रहे हैं, हमारे व्यूज़ नहीं हैं, यूट्यूब से हम पैसे कमा रहे हैं या यूट्यूब से नहीं कमा रहे, या अच्छा धंधा नहीं चल रहा, दैट इज़ समथिंग एल्स। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बट मैं कंसिस्टेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारी चीज़ को गलत कह रहे हैं और आपको वही चीज़ हमसे चाहिए, ठीक है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमारा टाइम चाहिए और आप उसको गलत कह रहे हैं, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो हमारे एक तरीक़ेकार है, हमने सेट किया हुआ है, काफ़ी सालों के बाद सेट किया, ये नहीं कि अचानक से हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और 2 महीने बाद हमने पेड अपॉइंटमेंट्स, मतलब हमने पहले फ्री का काम 4-5 साल किया, उसकी हमें समझ आई कि उसे क्वालिटी ऑफ बिजनेस या क्वालिटी ऑफ सर्विस या क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाती, और हमें वो बंदा नहीं चाहिए जो हमारी बात ना समझ सकता हो, और हम उस बंदे को भी केटर या सर्विस नहीं देना चाहते जिसकी बात हमें ना समझ आ रही हो। तो इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल, क्योंकि देखो आपने किसी से सर्विस लेनी है या कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है या स्पेंड करना है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। आप ज़बरदस्ती मेरे पे कोई चीज़ थोप सकते हो ना, मैं ज़बरदस्ती आप पे कोई चीज़ थोप सकता हूँ ना, आपकी जेब से ज़बरदस्ती पैसे निकाल सकता हूँ। सो इट्स ऑल म्यूचुअल। वो लोग जो फ्री के जस्ट गपे छपे मारना है या जब फ्री की चीज़ें देखना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, वो और बाकी यूट्यूबर्स होंगे जो आप मुझे मेंशन भी करते रहते, तो उनसे इन्फॉर्मेशन ले लिया करें, और अच्छा उनका काम चल रहा है तो उनसे फ्री में ले लिया करें। हमारा है पेड अपॉइंटमेंट का, फ़ोन अपॉइंटमेंट का और ऑफिस अपॉइंटमेंट का। तो एक कुछ चीज़ थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।